चित्रकूट जिले के रैपुरा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 35 पर सुबह 5 बजे एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रक ने 11 लोगों से भरी बुलेरो को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही रैपुरा थाना प्रभारी श्याम प्रताप पटेल घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि बुलेरो गाड़ी मध्य प्रदेश की थी, जो प्रयागराज से करवी जा रही थी, जबकि ट्रक करवी से प्रयागराज की ओर जा रहा था। घटना के बाद चित्रकूट पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी मऊ मानिकपुर यामीन खान मौके पर पहुंचे। कुछ घंटों बाद मंडल आयुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी, पुलिस उपमहानिरीक्षक अजय कुमार सिंह, डीएम शिवशनाप्पा जी एन और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर जानकारी ली और मृतकों के परिजनों व घायलों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। यह हादसा ट्रक की तेज रफ्तार और लापरवाही का नतीजा बताया जा रहा है। प्रशासन ने दुर्घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। आज अभी प्रातः काल लगभग 5:30 बजे रैपुरा थाने से प्रयागराज की ओर नेशनल हाईवे पर एक ट्रक करमी से प्रयागराज की ओर जा रही और प्रयागराज से बोलेरो करमी की ओर जा रही। बोलेरो में 11 लोग सवार थे। ज्ञात हुआ है प्रयागराज में परिवार के सैलिट करके लौट रहे थे और अचानक बोलेरो के ड्राइवर को लगता है छुट्टी आई, जिसकी वजह से वो सामने से आ रही ट्रक से जाकर आमने सामने गिर गया। बोलेरो सवार 11 लोग घायल हो गए, जिसमें से अब तक 5 लोगों को मृत होना बताया जा रहा है, शेष 6 लोगों का उपचार हो रहा है। थाने रायपुरा के अलावा यहाँ गर्मी मानी क्षेत्राधिकारी सिटी और क्षेत्राधिकारी बहु दोनों मेरे साथ मौके पर मौजूद हैं। रामनगर में घायलों का उपचार चल रहा है, लेकिन वहाँ से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। आ रहे थे छतरपुर का परिवार है गोलगंज थाने का, और उसमें 11 लोग सवार थे बोलेरो में और सामने सामने टक्कर हुई, जिसमें जो है घटना की स्थिति हो गई और मौके पे 5 लोग मृत हो गए और उसके बाद इलाज करते समय काफ़ी कभी और 6 लोग गलत हुए थे और बाकी का इलाज चल रहा है। दोनों यहाँ सफर कर दिए गए चित्रकूट उत्तर प्रदेश से प्रमोद मिश्रा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।